हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारा यूरोप महाद्वीप का रिवर में तीसरा भाग है और इस तीसरे भाग में हम डिस्कस करेंगे पूरे यूरोप महाद्वीप की जितनी सारी नदियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है उसको लेकर सारे नदियों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। याद रखिए, यहाँ पे मैं सिर्फ नदियों की चर्चा करूंगा कि कौन सी नदी कहाँ से होकर बहती है और किस देश में जाती है। बस इतना ही आज का हमारा चर्चा रहेगा। इसके बाद अगर हमारा कुछ टाइम बच जाएगा तो एक दो नदियों के बारे में और डीपली डिस्कशन कर लेंगे। यकीन मानिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और आप इसे जरूर देखिए और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए, हमारा नदियों के तीसरी कड़ी है यूरोप महाद्वीप का। तो मैं अब यहाँ पे मैप बना लेता हूँ और ये मैप मैं काफी बड़ा बनाने वाला हूँ, इसलिए क्योंकि जो मुझे पूरे नदियों के बारे में जानकारी देना है यूरोप महाद्वीप की नदियों के बारे में, तो उससे आपको क्या हो जाए, एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ पर है। तो आप लोग, ये जो मैं मैप बना रहा हूं, इस मैप के जरिए आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो थोड़ा सा इसको मिटाने की जरूरत है, यहाँ पर इसको मिटा देना है। यूरोप महाद्वीप की जो जितनी सारी नदियां हैं, ये नदियां बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल का जो कंपटीशन है वो बहुत ही टफ हो गया है और इस बढ़ते हुए कंपटीशन में आपसे क्या डिमांड कर ले पूछा जाएगा क्वेश्चन का, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हो जाता है कि क्या पूछा जाने की उम्मीद है। तो मेरा जो ये वीडियो होगा ये आपको हमेशा ही काम देने वाला वीडियो है, तो आप इसे अच्छी तरह से अगर देख के दो तीन बार इसे समझ लेंगे तो यकीन मानिए कि यह वीडियो ही आपके लिए नदियों को लेकर बहुत ही अच्छा एक ये है हमारा, क्या बोलते हैं, कैस्पियन सागर इधर साइड का पूरा, ये आगे चलकर यहीं पर आपका आ जाएगा, ये काला सागर है, ये कैस्पियन सागर है और ये आपका जो भाग है ये रूस का है, इधर साइड में रूस का भाग है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं, इधर इंग्लिश चैनल बना देते हैं, ब्रिटिश द्वीप समूह का भाग जो है उसकी चर्चा मैं कर लेता हूं। तो ब्रिटिश द्वीप समूह की चर्चा यहां पर है, ब्रिटिश द्वीप समूह, यानी कि ब्रिटेन का भाग है और यहाँ पे इसको कुछ मिटा के जो है थोड़ा सा, चूंकि गड़बड़ ना होने पाए कोई चीज, इसलिए मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। ये चलिए, ये हमारा हो गया यूरोप का पूरा मैप और इस मैप में मैं आपको जो सारी नदियां हैं उसके बारे में अच्छे से एक एक चीज करके जिक्र करूंगा। देखिए, ये है कैस्पियन सागर, क्या है, कैस्पियन सागर, कैस्पियन, कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर में मैंने आपको बताया था दो नदियां, कौन कौन सा, एक बताया था ये यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत से निकलकर एक नदी आती है, इसे हम लोग बोलते हैं यूराल नदी, क्या लिखते हैं, यूराल नदी, ये है यूराल नदी, ठीक है ना। एक नदी इस साइड से निकलकर आती है, ये इसे हम लोग लिखते हैं बोल्गा नदी, क्या, बोल्गा, बोल्गा नदी, ठीक है, ये है हमारा बोल्गा नदी। ठीक, तो कैस्पियन सागर में कितनी नदियां हैं, दो नदियां हैं। अब आते हैं काला सागर की हम चर्चा करते हैं, काला सागर, और काला सागर में मैंने आपको चार नदियों की चर्चा किया था, कौन कौन सा, इधर साइड से एक मैंने आपको बताया था एक नदी जिसका नाम है डॉन नदी, क्या नाम है, डॉन, तो यहां पे मैं इसका नाम लिख देता हूं
डॉन नदी, इसे हम लोग डॉन रिवर कहेंगे। दूसरा ये है दूसरी नदी, इसे हम लोग कहेंगे नीपर। क्या नाम देंगे इसका? इसका नाम होगा नीपर। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं नीपर नदी, नीपर नदी। और एक नदी और निकल कर आई है, इसे हम लोग कहेंगे निस्टर। क्या बोलेंगे? निस्टर नदी। और एक नदी निकल कर आएगी आपकी जर्मनी से। कहां से? ये है आपका जर्मनी, और जर्मनी का ये है वॉस्जेस पर्वत। यहां से एक नदी होकर इस तरह से होती हुई आके मिलेगी, इसे हम लोग बोलेंगे क्या? डेन्यूब नदी। क्या बोलेंगे? डेन्यूब। तो यहां पे मैं इसका नाम लिखता हूं डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी। ठीक, तो सारी नदियों की मैं चर्चा कर ले रहा हूं इस पूरे मैप में। आप लोग बहुत अच्छे तरह से सब चीज बना लेना। आगे जब इस साइड में आएंगे तो मैंने यहां पे बोला था ये सागर है, इसे हम बोले कि ये है एड्रियाटिक सागर। क्या है? एड्रियाटिक सागर। ये एड्रियाटिक सागर है, और इस एड्रियाटिक सागर में एक नदी आकर गिरती है इधर साइड से, जिसे हम लोग बोलते हैं पो नदी। क्या? पो नदी। तो इसका नाम है पो नदी, ये है पो नदी। ठीक है ना? और यहां पर एक है टाइरिनियन सी, इसे बोलते हैं टाइरिनियन सी। इधर साइड में कौन सा है? टाइरिनियन सागर है, टाइरिनियन सी या टाइरिनियन सागर। और इस टाइरिनियन सागर में तीबर नदी आकर गिरती है, यहां से आता है और इस तरह से यहां पे आकर गिरता है, इसे बोलते हैं टाइबर नदी। क्या बोलेंगे? टाइबर। तो ये इटली का क्षेत्र है, और इटली में ये इंपॉर्टेंट दो नदियां हैं, ये है टाइबर। इसका मैं नाम लिख देता हूं टाइबर नदी, ये है टाइबर नदी। क्लियर हो गया ना? तो इधर साइड से पो नदी आई और इधर साइड से टाइबर नदी आई, रोम इसी के किनारे स्थित है। ये सारी चीजें मैंने आपको चर्चा में किया था। आगे जब मैं बढ़ा तो आगे मुझे रोन नदी मिला। क्या मिला? रोन। इस तरह से होते हुई ये भूमध्य सागर में आई, और इसको मैंने नाम दिया था रोन नदी। क्या नाम दिया था? रोन नदी नाम दिया था। और इसी तरह से जब और मैं आगे बढ़ा तो यहां पे एक नदी आई थी, इसका नाम मैंने दिया था एब्रो नदी। क्या नाम दिया था? एब्रो, एब्रो नदी। ठीक है ना? जब और आगे आएंगे तो ये हमारा पुर्तगाल और स्पेन का क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में चार नदियां हैं, एक नदी इस तरह से, दूसरी नदी ये है, तीसरी नदी ये है, और चौथी नदी ये है। इन सारी नदियों का चर्चा मैं बारी बारी से बाद में सब सारी के बारे में बात करूंगा। तो यहां पे ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है। सारी नदियों का एक एक करके हम लोग नाम लिख लेते हैं। इसका अगर मैं बात करूं तो ये है क्वाडल क्वीवी। क्या नाम है? इसका नाम क्या है? इस तरह से मैं यहां पे इसका नामकरण करता हूं, इसका नाम है क्वाडल क्वीवीर, क्वाडल क्वीवीर नदी, क्वाडल क्वीवीर नदी। क्योंकि ये थोड़ा सा नाम बहुत ही बड़ा है, तो अगर इसका अंग्रेजी में भी नाम लिख लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसका नाम होगा क्वाडल, क्वाडल क्वीवीर रिवर, क्वाडल क्वीवीर रिवर हो गया। अच्छा, अगर मैं दूसरा वाला ये जो नदी है इसकी मैं बात करूं तो इसका नाम है क्वाडियाना। क्या नाम है? क्वाडियाना, क्वाडियाना नदी। और इसे हम लोग लिखेंगे क्वाडियाना
रिवर, क्वारियाना रिवर बोलेंगे, ठीक है ना। आगे जब मैं चलूंगा, ये जो तीसरी नदी है इसके बारे में मैं बात करूं तो इसे हम लोग बोलेंगे टागस। क्या बोलेंगे? टागस, टागस रिवर। क्या बोलेंगे? टागस रिवर, टागस नदी। क्या बोलेंगे? टागस नदी। और ये जो चौथा है इसे बोलेंगे ड्यूरू। क्या बोलेंगे? ड्यूरू रिवर। क्या बोलेंगे? ड्यूरू रिवर, ड्यूरू नदी। क्लियर हुआ? तो ये स्पेन और पुर्तगाल का चार इंपोर्टेंट नदियां ये भी हैं, और एब्रो नदी भी इसी में है, यानी कि आइबेरियन द्वीप समूह में। अगर मुझसे चर्चा किया जाएगा कि आइबेरियन द्वीप समूह में कितने देश हैं, दो, स्पेन और पुर्तगाल, उसमें इंपोर्टेंट इतनी सारी नदियां हैं, और जो इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं सारे के सारे जिक्र कर दे रहा हूं, तो आप लोग इस तरह से याद कर लेना। तो आपको मैं सीरियल वाइज सब चीज होते हुए पढ़ा रहा हूं। इधर से मैं शुरू में किया था चर्चा, और इस तरह से मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए एब्रो नदी तक चर्चा कर लिया था। दूसरे वीडियो तक मेरा एब्रो नदी तक चर्चा हो गया है। आगे जो मेरा वीडियो आएगा इस नदियों के बारे में होते हुए, मैं पूरी यूरोप महाद्वीप की जितनी नदियां हैं इंपॉर्टेंट है, इतना कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यूट्यूब पे एक ऐसा वीडियो बन जाए जो इतनी सारी डिस्कशन में आपको कोई भी कहीं भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। तो इस एक वीडियो से ही आपको सारी नदियों की चर्चा हो जाएगी। आगे जब मैं चलूंगा तो आएगा ये स्पेन और पुर्तगाल का क्षेत्र, क्लियर हो गया। जब आगे मैं आऊंगा तो पड़ेगा फ्रांस। तो फ्रांस में दो नदियां हैं, इधर साइड में दो नदियां हैं और इसके इस साइड में भी दो नदियां हैं। ये तो फ्रांस में कुल अगर मैं बात करूं तो चार नदियां हैं, ठीक है ना, चार नदियां। इस नदी का नाम है गैरोनी। क्या नाम है? गैरोनी। यहां पे मैं लिखता हूं गैरोनी, गैरोनी नदी, ठीक है ना। इसे अगर हम लोग इंग्लिश में लिखें तो यहां पे मैं लिख देता हूं गा रो नी रिवर। क्या है ये? गैरोनी रिवर हो गया। आगे जब मैं बात करूंगा तो ये हो गया गैरोनी रिवर, और उसके बाद ये हो जाएगा लॉयर। क्या हो जाएगा? लॉयर, लॉयर, लॉयर नदी। क्या हो जाएगा? लॉयर नदी। अगर इसका अंग्रेजी में बात करूं LO लॉयर रिवर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका लॉयर नदी, ठीक है ना, गैरोनी रिवर और लॉयर नदी। LOYER होता है, या फिर आप लोग इसे लिख सकते हैं LOIER, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका लॉयर नदी। आगे जो ये दो नदियां हैं इसकी मैं अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा सीन नदी, इसे हम लोग बोलेंगे, ये वाली नदी के बारे में मैं लिख दे रहा हूं। तो यहां पे मैं इस तरह से इसको लिखता हूं, ये है हमारा सीन नदी। क्या है? सीन नदी, ठीक है, जो ये गया है ये सीन नदी है। और इसको अगर मैं लिखूं यहां पे अंग्रेजी में, मैं यहां पे अगर इसको लिखूं तो यहीं पे मैं लिख देता हूं SEIN, सीन, और R बना दे रहा हूं, तो समझ लेना ये सीन नदी के बारे में ये मैंने लिख दिया। आगे जब मैं चलूंगा तो सीन नदी के बारे में, जैसे ही मैं आगे जाऊंगा तो ये हो जाएगा, इसके दो नाम है, म्यूस नदी भी बोलते हैं, म्यूस नदी, म्यूस नदी, या कहीं कहीं पे आपको मास नदी भी मिल जाएगा, मास भी नाम इसका है। तो दो नाम है, चाहे म्यूस बोलो या फिर चाहे मास बोलो, तो इसका नाम याद रखना। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं म्यूस या फिर मास, म्यूस या मास रिवर। क्लियर हो गया? अब आगे मैं जब चलूंगा तो
तो ये हो जाएगा फ्रांस का पूरा क्षेत्र हो गया। तो फ्रांस में कितनी नदियां हैं? चार नदियां, कौन कौन सा? गैरोनी, लॉयर, सीन और म्यूज। आगे जब मैं जाऊंगा तो जर्मनी का क्षेत्र पड़ेगा, क्या? जर्मनी का। और जर्मनी में तीन नदियां हैं, एक नदी जिसे हम लोग बोलते हैं राइन नदी, तो कुछ इस तरह से बनाते हैं हम लोग, ये हो गया राइन नदी। यहां पे जब मैं बनाऊंगा तो ये हो जाएगा वेसर नदी, और आगे ही जब मैं इधर साइड से बनाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका एल्ब। तो कितनी नदियां हैं? पहला मैं लिखता हूं राइन, इसका नाम है राइन नदी, और अंग्रेजी में इसे लिखना हो तो RHINE, राइन रिवर, ठीक है ना, राइन रिवर हो गया। और इसका नाम मैंने आपको अभी बोला कि वेसर नदी, वेसर, वेसर नदी, ठीक है ना। तो ये हो गया वेसर। अगर इसको मैं बोलूं तो WASER, WASER, वेसर रिवर हो जाएगा, ये हो गया वेसर रिवर, ठीक है ना। आगे जो ये है इसे हम लोग बोलेंगे एल्ब नदी, क्या बोलेंगे? एल्ब, एल्ब नदी, और एल्ब को आप लोग लिख लेंगे ELBE, एल्ब रिवर, ठीक है ना। एल्ब की ही एक सहायक नदी है, इस साइड से आई है, इसे बोलेंगे स्प्री नदी, स्प्री नदी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्प्री नदी बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये भी हो गया, आगे चलेंगे। अब आगे आगे पोलैंड क्या आएगा? जर्मनी के आगे आ जाएगा पोलैंड। तो पोलैंड में दो नदियां, ये हो गया। पोलैंड के आगे जब जाएंगे तो आपका लगभग लगभग पड़ जाएगा रूस का भाग। रूस के भी भाग में दो नदियां हैं, तो यहां भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ये है आपका रूस के भाग की चर्चा, ठीक है ना। तो पोलैंड में जो है पहला है उसका नाम है ओडर नदी, तो यहां पे मैं इसका नाम लिख देता हूं ओडर, क्या लिख देता हूं? ओडर नदी, ओडर को लिखते हैं ODER, ओडर रिवर हो गया। ये वाला है आपका ओडर नदी, कहां पर है ये? ये नदी है आपका पोलैंड में। ओडर के आगे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो उस पे हमारा पड़ेगा विस्तुला, किसका नाम पड़ेगा? विस्तुला। तो यहां पे मैं इसका नाम लिखता हूं विस्तुला नदी, क्या नाम होगा? विस्तुला नदी, विस्तुला नदी, यहां पे मैं इसको लिख देता हूं विस्तुला रिवर, क्या हो जाएगा ये? विस्तुला रिवर। और विस्तुला की ही एक सहायक नदी है जिसे हम लोग ट्रिब्यूटरी रिवर बोलते हैं, उसका नाम है बग रिवर। तो यहां से होकर एक नदी आई है जिसे हम बोलेंगे बग नदी, क्या बोलेंगे? बग नदी या फिर बग रिवर, क्लियर हो गया। आगे जब मैं जाऊंगा तो एक एक नदी है नेमुनास नदी, क्या नाम है इसका? नेमुनास। तो यहां पे मैं लिखता हूं नेमुनास, नेमुनास रिवर, या फिर ऑब्लिक देकर मैं लिख दूं नेमुनास नदी, क्या नाम हो गया? नेमुनास नदी। ये आपका कहां पे पड़ेगा? ये आपका रूस में पड़ेगा। और नेमुनास के बाद एक ये भी है नरवा, क्या नाम है? नरवा रिवर, क्या नाम है? नरवा रिवर, इसे हम लोग बोलेंगे नरवा नदी, क्या नाम है? नरवा नदी, यह है नरवा रिवर, ठीक है ना। तो इतनी सारी नदियां हैं जो मैंने आपको बताई, ये है आपका पो रिवर, क्या नाम है इसका? पो रिवर। ये है आपका टाइबर रिवर, टाइबर रिवर, ठीक है ना सारा चीज। ये है आपका एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक, एड्रियाटिक सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये है आपका टायरिनियन सी, टायरिनियन सी है, टायरिनियन सी है, ठीक है ना। आगे जाएंगे तो ये है आपका ब्लैक सागर,
क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ब्लैक सी, और ये है आपका कैस्पियन सी। ये क्या है? कैस्पियन सी है, ठीक है ना, कैस्पियन सी है, एस ई ए है, सी में ये होगा एस ई ए, कैस्पियन सी है एस ई ए, जहां पे होगा एस ई ए कर लीजिए सी, ठीक है ना। आगे ये है आपका डेन्यूब रिवर, डेन्यूब रिवर, और यहां पे निस्टर और नीपर में जो है डी लगा के आएगा, डी साइलेंट रहेगा, तो डी लगा के आगे आप लोग लिख लेना, क्योंकि यहां पे जगह नहीं है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, नीपर में डी लगा के ये हो जाएगा नीपर नदी, नीपर रिवर, और निस्टर में डी लगा के ये हो जाएगा निस्टर, निस्टर रिवर, और ये एन ई आई हो जाएगा, ये हो जाएगा नीपर रिवर और ये निस्टर, और डॉन का तो यहां पे जगह है तो मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा डॉन रिवर, ठीक है ना। इधर आपका है बोलगा, तो ये हो जाएगा बोलगा रिवर, ठीक है ना, और ये है आपका यूराल, तो मैं यहां पे लिख देता हूं यूराल रिवर, यूराल रिवर, ठीक है ना। तो ये सारी इंपोर्टेंट नदियां थी। अभी एक है ब्रिटिश द्वीप समूह पे स्थित नदियां, तो यहां पे लिख लीजिए लंदन का, यहां पर है लंदन, और लंदन से एक नदी निकलती है, इसे बोलते हैं टेम्स नदी, तो इसे लिख लीजिए, ये है टेम्स नदी। आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे जब अंग्रेजों का काल है, तो यही था लंदन से टेम्स नदी, तो इसे बोलेंगे टेम्स, टेम्स रिवर, ठीक है ना। यहां पर एक नदी है इस तरह से आता है यहां पे, इसे बोलते हैं कैम रिवर, क्या बोलेंगे? कैम, कैम रिवर, क्या बोलेंगे? कैम रिवर। और इस तरफ से एक साइड में, इधर साइड में नदी है, और इस नदी को आप लोग बोलते हैं ट्रेंट नदी, ट्रेंट रिवर बोलेंगे, तो लिख लीजिए यहां पर ट्रेंट, टी आर ई एन टी, ट्रेंट रिवर, आर आई वी ई आर, ट्रेंट, ये हो जाएगा ट्रेंट नदी, क्या हो जाएगा? ट्रेंट नदी। तीन नदियां हो गई, एक नदी और है यहां पे जिसे हम लोग बोलते हैं सेवर्न नदी, और ये इस साइड में है, तो यहां पे लिख लीजिए सेवर्न नदी, इस तरह से आती है और यहां पे जल गिराती है, इसका मैं नाम लिख देता हूं सेवर्न रिवर, सेवर्न रिवर, इसे हम लोग बोलेंगे सेवर्न नदी, क्या बोलेंगे? सेवर्न नदी, ठीक है ना। तो ब्रिटिश द्वीप समूह की अगर मैं बात करूं, तो ब्रिटिश द्वीप समूह पे मैंने चार नदियों की चर्चा किया, और इन चार नदियों में महत्वपूर्ण सबसे जो नदी है उसे हम लोग बोलते हैं टेम्स रिवर, और टेम्स रिवर जो है वो है लंदन से निकलती है, तो वो नदी है। अब एक इधर छोटा सा द्वीप समूह है, यहां पर भी एक नदी है जिसे बोलते हैं सैनोन नदी, क्या नाम है? सैनोन, तो लिख लीजिए यहां पर एक नदी है निकल कर आती है, इसका भी नाम लिख लीजिए, SHANNONE, सैनोन रिवर। तो इतनी सारी अगर नदियों की मैं आपसे चर्चा कर लिया, तो यकीन मानिए यूरोप महाद्वीप की जितनी समस्त नदियां हैं यहीं से आपको पूछेगा, और कहीं से कुछ नहीं पूछेगा। अब यहां पे समझिए, इसे हम लोग बोलते हैं बाल्टिक सागर, क्या बोल लेंगे? बाल्टिक सागर, इसे हम लोग बोलेंगे बाल्टिक सागर, या फिर ये लिख लीजिए ये है बाल्टिक सी, क्या बोलेंगे इसे? बाल्टिक सी है। यहां का जो क्षेत्र है इसे हम बोलेंगे उत्तरी सागर, क्या बोलेंगे? उत्तरी सागर, और यह जो क्षेत्र है इसे बोलेंगे इंग्लिश चैनल, इसे क्या बोलेंगे? इंग्लिश, इंग्लिश चैनल, क्या बोलेंगे? इंग्लिश चैनल बोलेंगे, और यह क्षेत्र है उत्तरी सागर, ये पूरा है अटलांटिक, अटलांटिक सागर, इधर साइड में क्या जाएगा? अटलांटिक, और ये है आपका मेडिटेरियन सी है, क्या नाम है? इसे हम लोग भूमध्य सागर बोलते हैं, मेडिटेरियन सी आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो अब मैं यहां पे आपको ये बताने वाला हूं कि कौन सी नदी किस देश में है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अगर मैं कैस्पियन सागर की बात करूं, तो
तो कैस्पियन सागर में आकर गिरने वाली दो नदियां हैं, यूराल नदी और बोलगा नदी। क्लियर, ये हो गया। रूस, रूस में आता है ये, ठीक है ना, और ये भी रूस के दायरे में आता है। आगे आएंगे काला सागर में गिरने वाली नदियां, डॉन नदी, नीपर नदी, निस्टर नदी और डेन्यूब नदी। क्या हो गया, डेन्यूब। और ये सबसे दूसरी नंबर पे सबसे बड़ी नदी है। पहली नंबर पे सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यूरोप की बोलगा नदी, ठीक है ना। दूसरी नंबर पे सबसे बड़ी नदी कौन है, डेन्यूब नदी। तीसरी नंबर पे सबसे बड़ी नदी कौन है, तो ये आप लोग अगर देखेंगे, चौथे नंबर पे यूराल नदी है। तीसरी नंबर की जो चर्चा है वो आगे हम लोग वीडियो में करेंगे, जो हमारा वीडियो आएगा, ठीक है ना। और आगे जब मैं चलूंगा तो ये है पो नदी, ये एड्रियाटिक सागर में गिरती है। कहां पर है ये, इटली में है। फिर आगे जाएंगे तो इटली में ही एक और है टाइबर नदी, ये टायरिनियन सी में आकर गिरती है। जस्ट और आगे जब मैं गया तो आगे आ गया इधर, क्या इसे हम बोल रहे हैं, यहां से लेकर पूरा नीचे तक का जो ये क्षेत्र है कौन सा सागर है, इसे हम लोग बोलेंगे मेडिटेरियन सी। क्या नाम देंगे इसका, मेडिटेरियन, ये हो जाएगा हमारा मेडिटेरियन सी। इसे हम लोग बोलेंगे भूमध्य सागर। क्या बोलेंगे, भूमध्य सागर। ये हमारा जो पूरा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र पूरा भूमध्य सागर है, ठीक है ना। तो भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियां रोन नदी, ठीक है ना, और एब्रो नदी, ये भी यहीं पे आके भूमध्य सागर में ही गिराएगी। और इधर साइड में क्वाडल क्विविर नदी, ये भी भूमध्य सागर में, और ये आके जो है क्वाडियाना, ये भी गिराएगी। स्पेन और पुर्तगाल की नदियां हैं। और तीसरा है टागस नदी, चौथा है आपका ड्यूरो नदी। कहां पर है ड्यूरो नदी की अगर मैं बात करूं तो ये स्पेन और फ्रांस की सीमा पर है, ठीक है ना। आगे गैरोनी की मैं जब बात करूंगा तो ये फ्रांस और स्पेन की सीमा में है, फ्रांस और स्पेन की सीमा में है। और अगर मैं लॉयल नदी की बात करूंगा तो ये कहां पर है, फ्रांस में। और इसके आगे जब मैं सीन नदी की बात करूंगा तो सीन नदी कहाँ है, फ्रांस में। यहाँ पे है म्यूस या मास नदी, ये भी कहाँ पे है, फ्रांस में। तो जब मैं एस लिख दे रहा हूं, समझ लाना कि ये फ्रांस में है, ये फ्रांस में है, ये भी आपका फ्रांस में है, और ये फ्रांस प्लस स्पेन की सीमा में है, ठीक है ना। और ये तुम्हारा कहाँ पे है, स्पेन में है, स्पेन में है, पुर्तगाल है ये, आपका पुर्तगाल है, और ये भी पुर्तगाल है, ठीक है ना। आगे जब मैं जी गया तो आगे मुझे मिला राइन नदी। राइन नदी कहाँ पर है, ये जर्मनी में है, तो मैं जी बना दिया। बेसर नदी कहाँ पर है, तो ये भी जर्मनी में है, जी बना दिया। एल्ब नदी कहाँ पर है, जर्मनी में है, जी बना दिया। सप्परी नदी भी उसी की सहायक नदी है। आगे जब मैं गया ओडर नदी, तो जर्मनी के आगे आता है पोलैंड, तो मैं यहाँ पे पी बना दिया, पोलैंड में है। बिस्तुला नदी भी पोलैंड में पड़ता है, इसीलिए मैं इसको पी बना दिया। इसी की सहायक नदी बग है, तो जाहिर सी बात है ये इसी के पोलैंड के आगे यूक्रेन पड़ता है, यूक्रेन के साइड के क्षेत्र में ये पड़ेगा। ये है नेमुनास रिवर, नेमुनास रिवर आपका रसिया में पड़ता है, तो मैं आर लिख दे रहा हूं। और ये नरवा रिवर है, नरवा रिवर भी आपका रसिया में पड़ता है, तो मैं आर लिख दे रहा हूं। बाकी इंग्लिश द्वीप समूह की जो मैं चर्चा किया, तो लंदन से, लंदन में टेम्स नदी बहती है, जो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, इसी टेम्स नदी के तट के किनारे स्थित है। आगे यहीं पर है कैम रिवर, ट्रेंट रिवर, और इस साइड में अगर मैं बात करूं तो सेवर्न रिवर है। और इस छोटे से द्वीप समूह की अगर मैं बात करूं आयरलैंड की, तो यहाँ पे सैनोनी रिवर है। तो समस्त नदियों की चर्चा मैंने इस वीडियो में आपको ये बताने की मैंने कोशिश किया है कि जितनी सारी कंपाइल्ड वीडियो मैं छोटे छोटे सेगमेंट में आपको डीपली जो अध्ययन करवा रहा हूं, कि एक एक वीडियो में मुझे, मैं यहां से लेकर यहां तक का मुझे 2 वीडियो लग गया बनाने में, ताकि आप लोगों का ज्यादा ही ज्यादा जो कंटेंट है वो मिल सके। क्योंकि आज के कंपटीशन में हर एक चीज को छोड़ना, छोड़ दिए इसका मतलब है अपने आप के साथ में खिलवाड़ करना। तो ऐसा वीडियो YouTube पे आपको मिल जा रहा है, तो आप एक ही वीडियो में सारे नदियों के बारे में जानकारी यहां से हासिल कर लेंगे इस वीडियो को देखकर। और आगे जो आने वाली मेरी 2 वीडियो और होगी रिवर को लेकर, जिसमें मैं इन सारी नदियों की चर्चा अच्छे से आपको कर दूंगा। वैसे इन नदियों का अगर आप नाम ही जान लेते हैं तो ही बहुत है, लेकिन ऊपर की यहाँ पे जैसे राइन नदी के बारे में जानना जरूरी है,
सीन नदी के भी बारे में आपको बताना है, एल्व और स्प्री नदी के भी बारे में बताना है, ओडन के बारे में, बिस्तुला के बारे में बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इनके बारे में आपको कुछ ज्यादा डीप में जानना पड़ेगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं। बाकी ये सारी जो नदियां हैं इनका नाम अगर आप लोग जान लेते हैं और किस देश में है ये नदी, तो ये बहुत ही आपके लिए फायदेमंद वीडियो रहेगा। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपको बनाया कि हर एक चीज मैं आपको अच्छे से बता सकूं। तो आज का मेरा वीडियो यहाँ पे इतना ही होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा कि मेरा अगला जो वीडियो होगा यूरोप महाद्वीप का लास्ट वीडियो होगा, उसमें मैं 5-6 रिवर की चर्चा कर लूंगा जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने अपने जितना अभी बताया वो सारे रिवर की। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। बाय बाय।